Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Study of Groups. Here we are again with our new topic, that is NCERT question answers of minerals and energy resources. बेटा आज हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे. तो उसके बारे में आज हम इन सब उसके क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पहला चैप्टर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग ए रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. देखिए ये जो मैंने था, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब आपका रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल की जब भी बात आती है तो वहां पे बॉक्साइट आता है. बॉक्साइट किसका और होता है बेटा? ये होता है एल्यूमिनियम का और. बेटा एल्यूमिनियम का और होता है और ये किससे? रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल से बचता है. अब देखो कोल किसकी वजह से, कोल कैसे फॉर्म हुआ है? ड्यू टू द वेजिटेशन थी, जो वेजिटेशन ब्रीड अंडर अर्थ. वेजिटेशन ब्रीड अंडर अर्थ, वेजिटेशन ब्रीड अंडर अर्थ एंड आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे बेटा इसको परफॉर्म को होने में, मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड टेम्परेचर. ये दोनों चीजें इसमें लगी थी बेटा, डिग्री ऑफ कंप्रेशन भी, डिग्री ऑफ टेम्परेचर भी. जब जाके हमारे किसी फॉर्मेशन होती है बेटा, हमारे ये जो कौन सा है बेटा, जिसका कोल की डिपोजिशन हुई थी, तो कोल हमारा कैसे परफॉर्म हुआ था? ऐसे गोल्ड आपको पता है ये रेजिडुअल मास में नहीं मिलता, लेकिन गोल्ड है ना वो एक लेस रिएक्टिव मेटल होती है. क्या होती है? जो चीजें मैं यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ आप उन चीजों को ध्यान रखना बेटा, लेस रिएक्टिव मटेरियल होती है. तो जब रिएक्टिव कम होती है तो इसमें इम्प्यूरिटीज भी लेस ही होती है. इम्प्यूरिटीज भी क्या होती है? लेस ही होती है. और ये आ गया जिंक बेटा, जिंक भी किससे मिलता? तो ना तो ऑप्शन सी है, ना ऑप्शन डी है, ना ऑप्शन ए है, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि ये आपका रेजिडुअल मास होता है. क्या होता है? रेजिडुअल मास. रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. कौन सा मटेरियल? वेदर्ड मटेरियल जो होता है उसके साथ ही आपका बना होता है, दैट इज वेदर्ड मटेरियल. ठीक है, आगे चलते हैं. ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है, बॉक्साइट इज फॉर्म्ड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स. इनका होता है बेटा डिकम्पोजिशन किसका होता है? इसमें ये बात का ध्यान रखना है, डिकम्पोजिशन किसका होता है? जो डिकम्पोजिशन होता है सरफेस रॉक्स का होता है बेटा. इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स होता है बेटा, जिसके द्वारा ये बनता है. इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम बॉक्साइट बोलते हैं. एंड सोल्यूबल कंसिस्टेंट विदाउट विद इन रॉक्स एपोरेट. देखो द सोल्यूबल कंसिस्टेंट, सोल्यूबल का मतलब होता है विच कैन बी डिसॉल्वड. सोल्यूबल कंसिस्टेंट कौन सा होता है? विच कैन बी डिसॉल्वड. जो हमारा डिसॉल्वड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल कंसिस्टेंट बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल कंसिस्टेंट बोलते हैं. एंड विद इन द रॉक एवेपोरेट्स व्हाट इज लेफ्ट बैंड. और उसके बाद जो हमारा लेफ्ट बैंड हो जाता है, जो हमारा लेफ्ट बैंड बच जाता है उसके बाद, विच इज लेफ्ट बैंड एज रेडिड्यू इज ओरो बॉक्साइट ओर. किसका ओर होता है बेटा? बॉक्साइट का होता है, फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड. और बॉक्साइट के बारे में एक बात और बताई थी मैंने बेटा, मैं सारी चीजें रिवाइज करवाता हूँ साथ साथ ही आपको पता है. बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट से पहले आप क्या निकालते हैं? सबसे पहले आप किसका निर्माण करते हैं? एल्यूमिना का. और एल्यूमिना से क्या मिलता है आपको? फिर एल्यूमिनियम मिलता है. इस बात के बारे में आपको जरूर ध्यान देना बेटा, बॉक्साइट के बाद क्या एल्यूमिना और एल्यूमिना से क्या मिलता है आपको? एल्यूमिनियम मिलता है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा. तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चन आंसर. अब मैं इसके बाकी जो इसको साफ कर देता हूँ. और इसमें एक ही क्वेश्चन था जो बताना था बेटा बॉक्साइट से रिलेटेड, हम इन चीजों को क्लियर कर देते हैं.
अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी थी वो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो रेजिड्यू मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल का कोई मिलता है तो कौन सा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट किसका और होता है बेटा, बॉक्साइट और होता है एल्यूमिनियम का। किसका होता है बेटा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का और होता है, और हमारा बॉक्साइट का जो एल्यूमिनियम का होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को पहले किसमें, एल्यूमिना में कन्वर्ट होता है वो, एल्यूमिना के बाद किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, फिर वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडरमा इन झारखंड इज लीडिंग प्रोसेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग में। देखो कोडरमा के बारे में बताते मैंने, माइका की। कोडरमा जो होता है बेटा वो किससे रिलेटेड होता है बेटा, माइका से रिलेटेड होता है। आप देखो जो जो नई नई चीजें हैं जिसमें मैं रिवाइज करवा सकता हूँ, मैं आपकी सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। जैसे आयरन ओर होता है, आयरन ओर में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है हेमेटाइट और एक आता है बेटा आपका मैग्नेटाइट। ये ध्यान रखना, ये और किसके होते हैं बेटा, ये दीज आर द ओर्स ऑफ आयरन, इसके होते हैं ओर्स ऑफ आयरन होते हैं ये, इससे मैं सीख सकते हैं। बॉक्साइट का तो वही मैंने बता दिया, किसका होता है एल्यूमिनियम का, क्या होता है ये ओर होता है, और इसमें इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले एल्यूमिनियम एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है, और एल्यूमिना से क्या मिलता है आपको, एल्यूमिनियम। और ये रेजिड्यू होता है बेटा, क्या होता है, रेजिड्यू होता है ऑफ द वेदर्ड रॉक्स का, वेदर्ड मटेरियल का, ये क्या होता है हमारा रेजिड्यू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा सा कनेक्ट करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। आप देखिए इसका होता है रेजिड्यू, किसका मटेरियल होता है, वेदर्ड मटेरियल का, ये क्या होता है, रेजिड्यू होता है। उसके बाद आता है आयरन ओर, जो कि किसका होता है बेटा, हेमेटाइट का। और माइका कहाँ पे मिलती है, ध्यान रखना बेटा कोडरमा, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको अलग से दिखे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोडरमा, जो कि कहाँ पे मिलता है बेटा, ये हमें मिलता है कहाँ पे, झारखंड में मिलता है, कहाँ मिलता है, झारखंड में। कोपर, कोडरमा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। कोडरमा क्या बेटा, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसकी, माइका की। इट इज लोकेटेड इन हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, कहाँ पे बेटा, ध्यान रखना कोडरमा में भी कहाँ पे, हजारीबाग बेल्ट, कौन सी है, हजारीबाग, कहाँ पे है, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, यहाँ से मिलता है। हजारी से बेटा आपको हाजिर है ये भी याद आ रहा होगा, यहाँ से वो जो है ना जगदीशपुर था, जगदीश, और वो तो एक मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसको भी आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। एंड झारखंड एज ए होल इज क्वाइट रिच इन मिनरल, झारखंड में ना बहुत सारे मिनरल मिलते हैं बेटा। अगर कोई स्टेट आपको रिच इन मिनरल्स के बारे में पता करना है तो रिच इन मिनरल स्टेट अगर कोई है तो रिच इन मिनरल्स कौन सा स्टेट है बेटा, झारखंड है बेटा। कौन सा है, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो मिनरल्स में बिल्कुल क्या है, रिच मटेरियल, रिच है बेटा, बिल्कुल ऐसा स्टेट है जो रिच है बिल्कुल, किसमें, मिनरल्स में। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्युमुलेटेड, एक्युमुलेटेड का मतलब हो जाता है ना इकट्ठा हो जाना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इकट्ठा हो जाना। इन द स्ट्रेटा विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक, कौन सी रॉक्स में होता है बेटा, ये कौन सी रॉक्स में होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये होती है रॉक्स आपकी। मिनरल्स आर फाउंड इन द लेयर्स एंड स्ट्राटा, देखो लेयर्स में मिलते हैं, किसके लेयर्स में मिलते हैं, देखो मिनरल्स हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स की मिनरल्स में मिलते हैं बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आर अक्यूमुलेटेड, अगर देखो मिलेंगे कहाँ पे बेटा, ये आपके उसमें होंगे, लेकिन इसने पूछा डिपॉजिटेड एंड अक्यूमुलेटेड इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, और ये आपके देखो यहाँ पे एक कदम एक स्टेप के साथ एक ही चीज को तो समझना है। अगर हम लेयर्स की बात करेंगे सबसे पहले तो लेयर्स में क्या करते हैं बेटा, ये फाउंड होते हैं, कौन सी लेयर में फाउंड होते हैं, किसके लेयर में फाउंड होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर में फाउंड होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर में क्या होते हैं बेटा, ये फाउंड होते हैं। एंड मिनरल्स आर अक्यूमुलेटेड इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, हॉरिजॉन्टल देखो हॉरिजॉन्टल तो होता है ये वाला स्ट्राटा, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में मिलते हैं बेटा ये, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा होता है किसका है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा होता है सेडी मेंट्री रॉक्स का,
इसका स्ट्राटा होता है बेटा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का स्ट्राटा होता है। एंड आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द हाई हीट एंड प्रेशर, कहाँ पे बेटा एक्सपोज हो जाता है, जो लिखा हो जाता है बेटा एक्सपोज हो जाता है हाई हीट एंड प्रेशर में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कब? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाता है बेटा, ये हीट एंड प्रेशर में क्या हो जाता है बेटा, ये एक्सपोज हो जाता है हीट एंड प्रेशर में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड कोल, आयरन एंड जिप्सम आर पोटास साल्ट एक्सेट्रा फॉर्म इन दिस वे। तो यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, एक हो गया बेटा कोल, एक हो गया आयरन और एक हो गया बेटा जिप्सम। एक है जिप्सम, ये मिल जाते हैं हमें इस डाटा में, मिलते हैं कौन कौन से बेटा, कोल, आयरन और एंड जिप्सम ये आपको मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं बेटा, ये आपको सेडिमेंट्री रॉक के डाटा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। एक बार और बता देता हूँ कि मिनरल्स आर फाउंड इन द लेयर्स और स्ट्राटा भी बोलते हैं, लेयर्स एंड स्ट्राटा दोनों एक ही वर्ड है, लेयर्स एंड स्ट्राटा। रॉक्स मिनरल्स आर एक्युमुलेटेड इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, किसमें मिलते हैं बेटा, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में, आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द हाई हीट एंड प्रेशर, जब भी किसमें एक्सपोज हो जाते हैं बेटा हाई हीट एंड प्रेशर में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द कोल, आयरन एंड जिप्सम एंड पोटाश। ध्यान रखना बेटा सेडिमेंटरी रॉक्स में कौन कौन मिलते हैं, एक तो मिलता है कोल, एक मिलता है आयरन, एक मिलता है बेटा जिप्सम, एक मिलता है बेटा आपको पोटास साल्ट। ये साल्ट आपको कहाँ पे मिलते हैं बेटा, डायरेक्टली याद रखना किसमें मिलते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के स्ट्राटा या लेयर्स में मिलते हैं हम, ये वहां पे मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, Which one of the following minerals is contained in the monazite sand? देखो मैंने बताया था केरला में है बेटा थोरियम, कहाँ पे, मोनोजाइट सैंड, कौन सी, मोनाजाइट सैंड में मिलते हैं बेटा। अब देखो मोनाजाइट सैंड में अगर ये मिलते हैं तो ये कहाँ पे डिपॉजिट्स मिले हैं हमें, इसके इसके हमें केरला में इसके डिपॉजिट्स मिले हैं। जो केरला की मोनाजाइट सैंड है ना बेटा, उसमें हमें क्या मिला है, थोरियम मिला है। क्या मिला है, थोरियम मिला है। तो थोरियम भी क्या हो जाता है, इस इंपोर्टेंट से, तो मोनाजाइट साइड में मिलता है किसकी, थोरियम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मोनाजाइट इज एन इंपोर्टेंट ओर फॉर थोरियम, प्रेजेंस ऑफ थोरियम मेक्स मोनाजाइट रेडियो एक्टिव। तो मोनाजाइट क्या हो जाती है, रेडियो एक्टिव। और यहाँ पे हम एक बात और सीखेंगे, थोरियम का और यूरेनियम का इस्तेमाल, थोरियम का और यूरेनियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं बेटा, और इनका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, इनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। इसीलिए थोरियम एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। देखो कोल का तो मतलब ही नहीं है सैंड में मिलने का, यूरेनियम मिल सकता है लेकिन मोनोजाइट सैंड में मिलता है। और ऑयल तो आपको पता है बेटा, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स है बेटा, जो एनिमल्स हैं डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स अंडर द ओशियन दब गए, अंडर द ओशियन के अंदर ब्यूरी हो गए, ब्यूरिड अंडर द ओशियन, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, वो हमारा पेट्रोलियम फाउंड हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते थे, पेट्रोलियम और ऑयल और कोयल तो नहीं हो सकते थे, लेकिन ये मैंने जो आपको बताया किसके बारे में बताया बेटा, मैंने आपको पेट्रोलियम के बारे में बताया है। ये किसकी वजह से होता है बेटा, तो मोनोजाइट सैंड में अगर कोई भी चीज आपकी मोनोजाइट सैंड में मिलती है तो वो कौन सी है बेटा, वो आपकी थोरियम है। वो कौन सी सैंड आपकी बेटा, थोरियम। किसे मिलता है आपको, मोनोजाइट सैंड में। और मोनोजाइट सैंड के बारे में पूछे ये कहाँ पे मिली है इंडिया को, इसके भंडार, इसके रिजर्व कहाँ पे मिले हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि इसके भंडार हमें केरला में मिले बेटा। कहाँ पे मिले हैं आपको, केरला में इसके भंडार मिले हैं। आगे चलते हैं, देखिए डिस्टिंग बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 31, मोर देन 13 होना चाहिए। एक तो फेरस, और क्या होना चाहिए, फेरस और एक नॉन फेरस मिनरल्स में। अब देखो फेरस में इतना मैं आपको बता चुका हूँ जिसके अंदर क्या कंटेन होता है बेटा, आयरन होता है। नॉन फेरस के अंदर क्या होता है, जिनके अंदर आयरन हमारा कंटेंट नहीं होता है। एक आते हैं कन्वेंशनल और एक आते नॉन कन्वेंशनल। अब दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेरस और नॉन फेरस मिनरल। देखिए दीज मिनरल्स कंटेन आयरन, ये तो इनकी बिल्कुल क्या होगी बेटा, डेफिनेशन होगी। इनमें क्या नहीं होता बेटा, आयरन होता है, और इनमें क्या होता है, डू नॉट कंटेन आयरन, इसको बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। अब देखो मेडिकल मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का नाम आया है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। जो मेटलर्जिकल होती है ना, जो मेटलर्जिकल को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेटलर्जिकल क्या होती है, जो कि डील्स करती है, deals with, ये एक branch of science होती है, which deals with properties and
प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, उसको बोलते हैं मेटलर्जी बोलते हैं। तो उसको हमारा जो ये होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड करवाता है। तो उनके लिए क्या बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस के मिलते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। दे प्ले वाइट रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल में भी होते हैं, बट इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल्स में भी होता है। इलेक्ट्रिकल्स में क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉपर आता है और वह क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा, वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिक का। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और मेटलर्जिकल में भी होते हैं। फेरस मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द टोटल मिनरल प्रोडक्शन का, ध्यान रखना 3/4 है बेटा, ये कितना है, 3/4 है टोटल का। तो आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ पे फेरस मिनरल्स कितने ज्यादा प्रेजेंट हैं, जो टोटल का 3/4 हमें मिलता है, क्या मिलता है हमें, फेरस मिनरल्स मिलते हैं। और इंडिया की रिजर्व्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी लार्ज, ये ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि 3/4 तो किसने ले लिया हमारा, फेरस मिनरल्स ने ले लिया ना। और इंडिया रिजर्व्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स की हम बात करेंगे, इज नॉट वेरी लार्ज, इतने ज्यादा लार्ज नहीं है। और इसके एग्जाम्पल क्या आता है बेटा, आयरन ओर हो गया और क्या हो गया, मैगनीज हो गया। और इसके एग्जाम्पल क्या आता है, बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया और क्या हो गया बेटा, गोल्ड हो गया। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ, दीज मिनरल्स जैसे फेरस मिनरल्स होते हैं विच कंटेन आयरन आर कॉल्ड एज फेरस मिनरल्स, एंड विच मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन आर कॉल्ड एज नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री बिकॉज दे कंटेन आयरन, एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज आर द इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, एंड दे प्ले ए वाइटल रोल इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज कॉपर इज, कॉपर भी हो गया बेटा, कॉपर भी आता है यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ इसमें जो आपके नॉन फेरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ किसके होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। सो वी कैन से दैट दीज प्रोवाइड ए वाइटल रोल इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, क्या प्रोवाइड करते हैं ये, कि अच्छा उनका पीस प्रोवाइड करते हैं। फेरस मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, सो दैट फेरस मिनरल्स आर फाउंड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज एज कम्पेयर टू द नॉन फेरस मिनरल्स, में ऐसा लिख सकते हैं ये 3/4 में मिलते हैं और ये नॉट वेरी लार्ज होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आयरन ओर आ गया, मैगनीज आ गया, और इसके एग्जाम्पल्स के हैं बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया और गोल्ड हो गया, ये इसके क्या हैं बेटा, एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स दीज आर एग्जॉस्टिबल एंड पोल्यूटिंग, ये एग्जॉस्टिबल भी है, एग्जॉस्टिबल का मतलब ये कैन, ये खत्म हो सकते हैं बेटा, ये कैन भी मतलब इनको बोलेंगे एग्जॉस्टिबल के साथ साथ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है, पर ये इनएग्जॉस्टिबल है बेटा, इनएग्जॉस्टिबलेटेड है कि नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है बेटा, दीज आर नॉट लिमिटेड, इनको आप हार्नेस कर सकते हो विद टेक्नोलॉजी, और नॉन पोल्यूटिंग होते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे फायरवुड आ गया, कोल आ गया, या पेट्रोलियम आ गया, और ये क्या है बेटा, टिडल है, या एटॉमिक एनर्जी है, या फिर सोलर है, विंड है। तो इसका सीधी सी बात है, दो वर्ड्स के साथ ही लिया गया है कि जो आपके क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, और पोल्यूटिंग के आधार पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को मानते हैं बेटा हम, जो नॉन एग्जिस्टेबल है बेटा और नॉन पोल्यूटिंग है, जहां पे इनके साथ अगर मैं नॉन लगा दूं तो इससे बन जाएगा नॉन कन्वेंशनल, अगर मैं नॉन लगा दूं, और अगर मैं इसको यस कर दूं, ये एग्जॉस्टिबल भी है पोल्यूटिंग भी है, तो उससे बन जाएगा बेटा मेरा कन्वेंशनल, उससे क्या बन जाएगा बेटा मेरा कन्वेंशन बन जाएगा। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम, सम एग्जांपल्स आर सोलर, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी, क्या है बेटा इन सब के एग्जांपल्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। व्हाट इज ए मिनरल, मिनरल इज ए होमोजीनियस, क्या बेटा एक होमोजीनियस है, नेचुरली ऑक्यूरिंग स्टांस। सबसे पहली बात देखो होमोजीनियस क्या होता है, सबसे पहले अगर हम होमोजीनियस के बारे में कुछ बातें लिखना चाहेंगे तो होमोजीनियस होता क्या है, जिसमें सेम टेक्सचर के, इसमें क्या हो बेटा, सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं होमोजीनियस। और इसका विपरीत एक वर्ड होता है, वो होता है हेटरोजीनियस, और हेटरोजीनियस को क्या बोलते हैं, जिसमें सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट, और प्रेजेंट ना हो उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, नॉन होमोजेनस बोलते हैं। और सबसे पहली बात ये क्या होते हैं, नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस होते हैं, सबसे पहली बात तो क्या ही, एक तो होते हैं नेचुरली और एक होते हैं बेटा कैसे, होमोजेनियस प्लांट होते हैं सब्सटेंस विद ए डिस्टिंग्विशेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनके अंदर जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। एंड मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स, कहाँ पे मिलते हैं,
फाउंड इन रॉक्स में मिलते हैं एंड अलाइक स्ट्रक्चर। अवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल येट, 2000 मिनरल अब तक हम ढूंढ चुके हैं। द हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है बेटा? डायमंड। देखो ध्यान रखना है, अगर हम हार्डेस्ट की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे हार्डेस्ट मिनरल की, तो वो कौन सा होता है बेटा? वो हमारा होता है डायमंड। और हम सबसे ज्यादा मतलब सबसे सॉफ्टेस्ट की बात करेंगे ना, तो सॉफ्टेस्ट कौन सा होता है बेटा? हमारा कौन सा होता है? टाइल्स होता है। ये हमारा कौन सा होता है? टाइल्स होता है। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसको हमने पढ़ लिया। मिनरल्स कौन से होते हैं? होमोजीनियस होते हैं एंड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। एंड व्हाट इज होमोजीनियस? जिसमें सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। एंड इट मींस देयर आर नॉट सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस। तो मिनरल्स इज होमोजीनियस एंड नेचुरली अकर सब्सटेंस। और ये जो डेफिनेशन है ये हमने पढ़ी थी अपनी क्लास में, ये किसके अनुसार होती है बेटा? ये अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट होते हैं ना बेटा, जो जियोलॉजिस्ट उनके अनुसार होती है कि होमोजीनियस होते हैं और नेचुरली अकर सब्सटेंस होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, यदि कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसका आप ब्रेक करके पढ़िए, अगर आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे बेटा। तो ये कौन से होते हैं? डिस्टिंग्विशेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। और दूसरी, मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स में आते हैं बेटा, जिसमें क्या होती है, जिसमें रॉक्स में और कहाँ पे अलाइक स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं बेटा। अवर 2000 मिनरल्स हमें अब तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनमें से हार्डेस्ट अगर किसी की बात की जाएगी तो डायमंड है, और सॉफ्टेस्ट की बात की जाएगी तो वो टाल्क होता है बेटा। क्या होता है? टाल्क होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका। Our minerals formed in igneous and metamorphic rocks में कैसे मिलते हैं? देखो, minerals can be could be found in the cracks and cervix। तो कहाँ पे मिलेंगे बेटा? जो cracks होंगी ना, क्या होंगी? जो cracks होंगी या cervix होंगी बेटा, within the igneous and metamorphic rocks में मिल सकते हैं। minerals are initially in liquid and molten or gaseous form। देखो तीनों form बता दी बेटा। तो initially क्या होते हैं? या तो किस form में होते हैं? liquid। और लिक्विड को हम एक चीज से और बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा मोल्टन फॉर्म में होते हैं। एंड गैसियस फॉर्म, दे राइज थ्रू द क्रैक। और वो राइज हो जाते हैं बेटा, कहाँ हो जाते हैं? राइज हो जाते हैं। कहाँ से राइज हो जाते हैं? थ्रू द क्रैक्स। देखो मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन को आप ब्रेक कर पाए। थ्रू द क्रैक्स टू वाटर। और कहाँ पे निकलाते हैं बेटा? अर्थ सरफेस पे। कहाँ पे आ जाते हैं? अर्थ सरफेस पे। और उसके बाद क्या हो जाते हैं? सोलिडिफाई हो जाते हैं बेटा। सोलिडिफाई हो जाते हैं, इसका मतलब सॉलिड बन जाते हैं। तो राइज थ्रू द क्रैक्स एज दे मूव अपवर्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है? मिनरल्स कुड बी फाउंड इन द cracks and cervix and within the igneous and metamorphic rocks after they are initially they are in the form of liquid or molten rock में होते हैं, but after gases में, लेकिन after जो cracks से toward के earth surface की तरफ आते हैं, cracks से कहाँ पे आते हैं? earth की surface की तरफ आते हैं। और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं बेटा? they can be solidify हो जाते हैं, और solidification होने के बाद हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें igneous और metamorphic से मिल सकते हैं, वरना कहाँ से मिलते हैं? sedimentary से मिलते हैं। so minerals could be found in cracks or cervix में मिल सकते हैं within igneous and metamorphic rocks। minerals are initially in liquid or molten state में होते हैं, they rise with the crack toward the earth surface, they solidify as they move upward। जैसे कहाँ पे मूव होते हैं बेटा? अपवर्ड मूव होते हैं, तो क्या हो जाते हैं? सोलिडिफाई हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? आपने आगे देखें, आगे चलते हैं। Answer the following questions in about 30 words। Question number 2 है बेटा। देखिए, why do you need conserve mineral resources? हमें mineral resources को conserve करने की आवश्यकता क्यों है बेटा? उसके बारे में बता रहे हैं। देखो, minerals are non-renewable resources। कैसे resources हैं? Non-renewable resources हैं। They take hundreds and thousands of years to be made। इनको 100 से लेकर 1000 तक टाइम लगता है। Therefore we must use them judiciously so that judiciously क्या होता है? sustainable energy के तरह हम इसको इस्तेमाल करें, so that our future generation can also use these type of resources का इस्तेमाल कर पाए, and more and so that more and more generation can be take benefit of mineral energy resources का इस्तेमाल कर पाए। तो दो ही तीन बातें, एक तो non renewable resources हैं, और दूसरा क्या? 100 and thousands of years लगते हैं। और सबसे पहली बात, हमें इनका यूज जुडिशली करना चाहिए, सो दैट फ्यूचर जनरेशन आल्सो कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द मिनरल रिसोर्सेज का भी क्या ले पाए बेटा? बेनिफिट ले पाए। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द 30 वर्ड क्वेश्चन। तो इसके बाद हम 120 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अगले आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा, जो थे, एक तो था हमें मिनरल्स को क्यों करना चाहिए, बचाना चाहिए। देखो, अगर हमने दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा था बेटा, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिलते हैं,
उनकी क्रैक्स और सर्विक्स में मिलते हैं, और जब वो सबसे पहले किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम होने के बाद वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो गैसेस की फॉर्म में, वो जैसे ही अर्थ से ऊपर आते हैं तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आने के बाद सोलिडिफाई हो जाते हैं और हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें मिनरल्स मिलते हैं। और ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मिनरल्स क्या है, तो तीन चार चीजें ब्रेक किया हमने, जब इंफॉर्मेशन को होमोजीनियस होता है, नेचुरली अकरिंग होता है और डिस्ट्रिग्नेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, और कहाँ पे मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं। 2000 मिनरल अब तक हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एंड द हार्डेस्ट मिनरल इज डायमंड, एंड सॉफ्टेस्ट इज क्या होता है हमारा, टाल्क होता है बेटा। उसके बाद आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बेटा कौन से होते हैं, दो ही वर्ड के अनुसार हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में बांटा है, एक तो जो लिमिटेड है, जो क्या है, एग्जिस्टिबल है, और दूसरा जो पोल्यूटिंग है बेटा, जो पोल्यूशन फैलाते हैं। और अगर मैं नॉन एग्जिस्टिबल बोल दूं और नॉन पोल्यूटिंग बोल दूं तो आपके नॉन कन्वेंशनल आ जाएंगे। सोलर, विंड, टाइडल और एटॉमिक एनर्जी तो क्या बेटा, नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन जो एग्जाम्पल फायरवुड के, कोल, पेट्रोलियम, ये लिमिटेड भी है और क्या कहते हैं, पोल्यूटिंग भी, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल सोर्सेज। फेरस जिसमें आयरन होता है, और दूसरा दिस सेंड्रोनेट आयरन जिसमें नहीं होता है, और स्ट्रोंगेस्ट मेटलर्जिकल का होते हैं, और स्ट्रोंगेस्ट मेटलर्जी के साथ साथ इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज का भी होते हैं। फेरस मिनरल कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ टोटल मिनरल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया का होता है। इंडियन रिजर्व फॉर नॉन फेरस मिनरल नॉट वेरी लार्ज, ये ज्यादा लार्ज नहीं है, और फेरस मिनरल हमें आयरन और मैग्नीज की फॉर्म में मिलते हैं, और लिथियम ऑक्साइड, लेड, गोल्ड और कॉपर की फॉर्म में मिलते हैं। एमसीक्यूज में हमने देखा था बेटा, एमसीक्यू में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था कौन सी सैंड में होता है, मोनजेट सैंड में क्या होता है बेटा, थोरियम होता है, और दूसरे वाले क्या, यूरेनियम होता है, और ये कहाँ पे, केरला में मिलती है बेटा हमें। दूसरा मिनरल्स किसमें मिलते हैं, मैंने सेडिमेंट्री लेयर्स की लेयर से स्ट्राटा में मिलते हैं, और जेंटल स्ट्राटा जो होता है बेटा, जैसे कोल, आयरन, जिप्सम, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। और इसके ऊपर हमने क्या किया था, फर्स्ट के बी में कोडरमा कहाँ पे बेटा, झारखंड में, सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर किसी स्टेट में तो कहाँ पे मिलते हैं, वो झारखंड में मिलते हैं बेटा। और उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि बॉक्साइट के बारे में, बॉक्साइट किसका और होता है बेटा, एल्यूमिनियम का और होता है, और एल्यूमिनियम रेजिडुअल मास होता है जो गैदर मटेरियल का, तो उससे हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम में हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिना में, एल्यूमिना से क्या बनता है बेटा, एल्यूमिनियम बनता है, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, सोल्यूबल। देखो बॉक्साइट इज फॉर्म आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, का डिकम्पोजिशन हो जाता है एंड द सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट विद इन द रॉक इवेपोरेट्स हो जाता है, जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है वो रेजिडू वो किसका होता है बेटा, वो बॉक्साइट का होता है, विच देन एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने का एक सॉल्यूशन होता है बेटा, पहले वो एल्यूमिना में कन्वर्ट होता है, फिर ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। दीज आर योर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर एसे टाइप क्वेश्चन ऑफ 120 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे, और उनको सार उसके साथ आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इस चैप्टर की पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो आएगी आपकी पीवाईक्यू की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द एसे टाइप क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।